वेलकम टू खन्ना न्यूज़ लाइव। मछवाड़ा साहब विखे देर रात स्थानक G2 अस्टेट कलोनी दे सुनसान इलाके विच एक नौजवान सुख अमृतपाल सिंह वासी रोड़ेवाल दी लाश मिली, जिस कोल पई सिरिंज तो पता लग रहा सी के इसकी मौत नशे दी ओवरडोज नाल हुई है। प्राप्त जानकारी अनुसार G2 अस्टेट कलोनी दे अखीर विच सुनसान थां तो लंघदे एक व्यक्ति ने देखा कि उत्थे मोटरसाइकिल खड़ा सी अते नाल ही एक नौजवान झाड़ियां विच डिग्गिया होया सी, जिस बारे तुरंत पुलिस नूं सूचित कर दिता गया, जिस ते कार्रवाई करदिया थाना मुखी DSP मनदीप कौर ने मौके ते पहुंच के जांच शुरू कर दिती अते उन्हां देखिया कि नौजवान दी मौत हो चुकी है अते उसकी जेब विचों मिले दस्तावेजां दे आधार ते उसकी पहचान सुख अमृतपाल सिंह वासी रोड़ेवाल वजों हुई है। मृतक दे मुँह चों झग निकल रही सी अते नक विचों खून भी वग रहा सी। पुलिस वल्लों मृतक दी लाश नूं कब्जे विच लै के पोस्टमार्टम लई भजवा दिता गया अते उसदे परिवार मैंबरां नूं सूचित कर दिता गया। पुलिस अधिकारी अनुसार नौजवान दी मौत दे कारणां बारे तां पोस्टमार्टम दी रिपोर्ट तों बाद ही पता लगेगा, पर पुलिस वल्लों इह वी जांच कीती जा रही है कि इह नौजवान इस सुनसान इलाके विच इकल्ला नशा करन आया सी जां फिर इसदे नाल होर वी साथी सन। मछवाड़ा इलाके विच बेशक नशियां नूं नत्थ पाउण लई पुलिस वल्लों नशा तस्करां खिलाफ मामले दर्ज कीते जा रहे हन अते सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, पर इस दे बावजूद भी यह नशा नौजवान की जान ले रहा है। घटो घट 10-20 जने डेली इतने चिट्टा पहन आते हैं, डेली तुसी दिन दे विच मॉर्निंग दे विच इवनिंग तक भी चेक कर सकते हो भी इतने इन्ना चिट्टा पीण जनता आती है, पुछना तुसी बहुत ज्यादा इतने जनता चिट्टा बनाती है। मैं ट्रैफिक पुलिस वाले मैं मेरे नोन दे विच ने मैं उन्होंने दस्या सी, पर कोई वह कहते भी असं कुछ नहीं कर सकते भी यह जहाँ इतने कुछ चलता अभी कुछ नहीं कर सकते। तो आया से मैं पुलिस ने गड्डिया देख के मैं थोड़े को इतने पहुंचा भी मैं इतने हम पता लग भी इतने मुंडे ने चिट्टा पी के डैथ हो चुकी है, क्योंकि आ पिछे दरख्त लगते आ मेरे नाल खेत ने आ भी मेरे खेत ने ये पिछे हूँ पता लगे भी मुंडा इतने डेली आने से अज वो ओवरडोज करके डैथ होगी। हूँ असं प्रशासन की कह सकते हैं, प्रशासन आप चाहिए भी असं किन्नी बार कह सके भी अपना गेड़ा रखन भी एक डर पाया रहे, पर कोई प्रशासन किसी कोई सुनवाई है नहीं। कुछ हो रहा है क्योंकि यह गुरुआ पीरियां की धरती है, इतने अजा कुछ होना नहीं चाहिए। जिहड़ी ये जगह आ बिल्कुल सुनसान एरिया आ, उहदे करके ना भी इतने जिवें स्कूलां दे ते होर कालजां आले आले दुआले पिंडां आले उह इत्थे सेफ जगह इहनूं समझदे, क्योंकि इधर नूं कोई आउंदा नहीं कोई जांदा नहीं, क्योंकि घट आबादी वाला एरिया आ, पुष्क घर आ इत्थे, उहदे करके भी इत्थे कोई भी इधर नूं जिहड़ा कबीलदार बंदा आ जां खेतां वाला आ उह अपना सूर्य छिपण तो पहला पहला ही काम नबेड़ जांदा, क्योंकि इत्थे इहो जे लोग आके खड़दे आ भी किसे दे हत्थ कोई हथियार भी हुंदा आ सानूं डर बहुत लगदा आ, क्योंकि असीं बारों बार रहिंदे आ। उहदे करके भी इत्थे भी पुलिस नूं चाहीदा भी इत्थे सवेरे शाम अपना एक वारी रूटीन दे विच गेड़ा लाउणा चाहीदा आ। नशा तो इतने सवेरे 9 बजे तो लैके जो स्कूल टाइम शुरू हो जाता है इतने 2-4 जने आ गए चले गए, 4 जने आ गए चले गए, बस यही कुछ चलता रहता है। इधर नूं तां कोई लेडीज भी नहीं लंघदी हैगी, क्योंकि बाया कच्चा रोड आले दुआले भंग आ, लोग डरते हैं। ये तो बहुत मंदभागी गल आ भी जी मछवाड़े के भी ये गल्ला, नहीं तो अगे तो पंजाब के लगभग वक्त जिले के सुनिया गल्ला, पर यह मछवाड़े के भी होने लग गए। मछवाड़े की बहुत बड़ी त्रासदी आ कि यह कुछ हो रहा है। मौके ते पहुंचे हां ते नौजवान मुंडा है 24 साल दी उम्र लगती है, ते जेड़ा इहदे बाइक नंबर जेड़ा सी पा के देखा सी ऐप दे थ्रू वो पता लगा कि रोड़ेवाल पिंड है इत्थे उत्थों दा इह मुंडा है। बाकी इहदे घर दिआं नूं असीं इनफॉर्मेशन देती है वो आ रहे हैं, ते इहदे लागू जिहड़ी चीज़ां बरामद हुईआं आ वो सिरिंज सानूं मिली आ, ते इही लगदा कि इहने नशे की ओवरडोज नाल इहदी डैथ होई है। सानू फोन ही आया सी इत्थे एक लड़का जिहड़ा मतलब ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀ ਪਈ ਸੀ ਡੈਡ ਪਿਆ। ਮੱਛਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੂਸ਼ਣ ਬੰਸਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।